अस्सलाम वालेकुम फिटनेस फैक्ट्री ऑफिशियल चैनल के तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से खुश आमदीद और आज एक बड़ा ही कमाल का नुस्खा पेश करने जा रहे हैं। दोस्तों आज आपको बताएंगे कि जिन भाइयों को ये तीन मसाइल का सामना है, जो मर्द हजरात हैं और खास तौर पर शादीशुदा उन अफराद हैं जिनकी शादी हुई पड़ी है, उनको ये तीन या चार मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो आइए नोट कर लें वो चार मसाइल कौन से हैं। वो तमाम आज हल होने वाले हैं। कौन कौन से हैं जी? सबसे पहले है अज़ू नरम पड़ जाता है जब दखूल करने लगते हैं, सख्ती उसमें नहीं आती, तंदी नहीं आती, जिसकी वजह से दोनों को लुत्फ नहीं आता। ठीक है जी, पहला मसला ये होगा। दूसरा मसला ये है कि टाइमिंग कम है, रखते जाते हैं, एक तो नरम है ऊपर से टाइम कम है, रखते जाते हैं पानी निकल जाए, खुद पता ही नहीं चलता, खुद बहुत ही निकल जाता है। ठीक है, दूसरा मसला। तीसरा मसला ये है कि चलते फिरते उनको कतरे निकलते रहते हैं, कपड़े खराब होते हैं, नमाजी हजरात हैं, क्योंकि ये बड़ा मसला होता है कि जब कतरे निकल जाते हैं तो कपड़े वगैरह पलीत हो जाते हैं, वो निजस हो जाते हैं, तो उसका बड़ा मसला आता है। अब चौथा मसला ये है कि ये सारे मसाइल साथ लेके चल रहा है लेकिन हिस भी बढ़ चुकी है हजू के अंदर, यानी करने को भी बहुत दिल करता है। उसके अलावा ये मसाइल का अगर आपको सामना करना पड़ रहा है तो ये चार मसाइल हैं। एक चीज बताऊंगा, आपने इस तरीके के साथ इसको गौर से सुनना है, ये बात ध्यान में रखें, नुस्खा बड़ा जबरदस्त है, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इसके अंदर, ये आपने समझनी है। तो वीडियो का आगाज करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं फिटनेस फैक्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो आसानी के साथ पहुंचती रहे। सबसे पहली चीज जो इसके अंदर डलती है, जो एक चीज है वो है मोचरस। मोचरस आपने उमदा जो है वो लेनी है, आला नस्ल की लेनी है, अजब जरूरत आपने पंसारी से ले लेनी है। इसको मट्टी के प्याले में डाल देना है और उसके ऊपर से आपने बोर्ड का दूध इतना डालें कि चार उंगलियां तक आ जाए, यानी चार चार इंच तक वो आ जाए, चढ़ जाए ऊपर। फिर उसको आपने साय में खुश करना है, जब वो खुश्क हो जाए तो फिर उतना ही दूध और उसके अंदर डाल देना है। वो भी अगर खुश्क हो जाए तो फिर उसके बाद एक और दफा उतना ही दूध डालकर उसको खुश्क करना है। जब वो खुश्क हो जाएगा तो उसको आपने सफूफ तैयार कर लेना है और उसकी फिर थोड़ा सा पानी शामिल करके उसकी गोलियां तैयार कर लेनी है, छोटी छोटी गोलियां तैयार हो जाएंगी। ठीक है, फिर एक गोली सुबह एक गोली शाम को हमरा दूध के साथ आपने इस्तेमाल करना है, खाना खाने से पहले। ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा। अब जो भाई कमेंट करते हैं कि यार तरीका इस्तेमाल नहीं बताया, कब खानी है, कितनी मकदार खानी है, तो सारा कुछ मैं बता रहा हूँ, सारे मसाइल ये हल करेगा, लेकिन शर्त यह है कि इस नुस्खे को जिस तरह बताया गया है उसी तरीके के साथ बनाया जाए। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद रखते हैं वीडियो पसंद होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है या नुस्खे को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो किसी मुस्तनद हकीम से राय लेने के बाद इस्तेमाल कर लें। मैं आपसे मिलता हूँ कल इस तरह की किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह।